गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। दिस इज़ डॉक्टर अनुराग सिंह और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, दिस सेशन इज़ गोइंग टू कवर एंड फोकस अपॉन द न्यूज़ स्नाइपेट्स, द न्यूज़ पब्लिश्ड इन डाउन टू अर्थ मैगजीन एज वेल एज डाउन टू अर्थ वेबसाइट। एंड ये न्यूज़ का ड्यूरेशन है 1st to 9th of August। इनफैक्ट आज 9th August है। तो एवरी मंथ वी आर गोइंग टू सी 3 सच सेशंस फोकसिंग अपॉन द एनवायरनमेंट रिलेटेड न्यूज विच इज़ पब्लिश्ड इन डाउन टू अर्थ मैगजीन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC एज वेल एज अदर एग्जामिनेशंस। मैं बता दूँ, डाउन टू अर्थ मैगजीन इज़ अ फोर्टनाइटली मैगजीन, एवरी 15 डेज, 2 हफ्ते में एक बार पब्लिश होता है बाई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, अ लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एंड इनफैक्ट जितने एनवायरनमेंट रिलेटेड न्यूज़ पूरे ग्लोबल लेवल पर एंड स्पेसिफिकली इंडिया के लिए, वो सब के सब इसमें दिए जाते हैं। एंड इन UPSC प्रीलिम्स, UPSC के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में लगभग 4 से 5 सवाल यहाँ से आते हैं। मेंस आल्सो यू कैन पुट अप इम्पॉर्टेंट वैल्यू एडिशन फ्रॉम दिस मैगजीन, एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस मैगजीन इज जस्ट ग्रोइंग डे बाई डे। इसलिए ये कहना बिल्कुल ही सही होगा दैट अगर UPSC का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है या दूसरे एग्जामिनेशंस भी क्वालिफाई करने, तो एनवायरनमेंट के इश्यूज एंड टॉपिक्स पे आपकी पकड़ रहनी, यू मस्ट हैव अ ग्रैस्प ओवर द एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स। एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कवर द एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन एज वेल एज अपॉन द वेबसाइट इन द 1st 10 days of August। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, IAS नॉलेज मंत्रा। एंड PIB के भी न्यूज़ आ रहे हैं, एवरी 5 डेज विल ब्रिंग आउट PIB न्यूज़ आल्सो, दिस सीरीज इज गोइंग टू कंटिन्यू। एंड यस, आई एम आल्सो अपॉन द अनअकैडमी, आई एम अ अनअकैडमी एजुकेटर, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिए। आई टेक अप डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ पेपर सेशंस इन द मॉर्निंग एट 6:30 AM एंड 8 AM on the Unacademy YouTube channel, Let's Crack UPSC CSE. I also take up Unacademy special classes and plus courses upon the Unacademy Educator app. And just subscribe upon, take up the subscription of Unacademy Plus and Iconic courses using Anurag as the code, as the referral code to get a 10% discount. So, chale shuru karte hain aaj ka session. Dekhte hain students, aaj kya hai Down to Earth magazine mein. सो ये देखिए, सबसे पहला स्लाइड जो आप देख रहे हैं, ये क्लाइमेट क्राइसिस IPCC रिपोर्ट आज आया है। इनफैक्ट द नेक्स्ट सेशन ऑफ डाउन टू अर्थ मैगजीन इज गोइंग टू फोकस अपॉन दिस रिपोर्ट। हम इस रिपोर्ट को अलग से कवर करेंगे, 10 मिनट्स का कवरेज रहेगा। विल टॉक अबाउट इन डिटेल हाउ डज द IPCC रिपोर्ट क्लाइमेट क्राइसिस को कैसे देख रहा है। इसका पहला, ये 6th असेसमेंट रिपोर्ट का पहला पार्ट आया है, द नेक्स्ट 2 पार्ट्स आर गोइंग टू कम नेक्स्ट ईयर। Nevertheless, this report is very, very important for this year essay and mains examination. So we are going to see it in detail in the next coming session. आइए देखते हैं आज क्या है न्यूज़ में। देखिए यहाँ पे the first news coming up from the Down to Earth magazine is floods, heavy rains killed 1 lakh people in 65 years, caused a loss of ₹4 lakh crore. इंडिया में इतने ज़्यादा डेथ हुए फ्लड्स के कारण एंड हैवी रेन्स के कारण। यू कैन वेरी वेल इमेजिन दैट फ्लड्स आर फास्ट बिकमिंग द मोस्ट क्या कहते हैं, इमरजेंसी डिज़ास्टर इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स। देखिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ऑलरेडी फ्लड्स में काम किया जा रहा है, बट एवरी ईयर इट इज़ जस्ट इंक्रीजिंग, उसके इम्पैक्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। और सोचिए 1 लाख लोगों की डेथ हुई है 65 इयर्स में, और ये अब टोरेंशियल रेन्स, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स, इंक्रीजिंग केसेस आ रहे हैं। ऑल्सो 4 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी का लॉस ही देख सकते हैं हम। और ये स्टैंडिंग कमिटी ऑन वाटर रिसोर्सेज की तरफ से ये आया है रिपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जिसके कहते हैं वाटर रिसोर्सेज के लिए स्टैंडिंग कमिटी। देखिए यहाँ पे, फ्लडिंग हैज़ अफेक्टेड अप्रॉक्सीमेटली 40 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ इंडियाज लैंड एरिया From 1953 till 2018, you can see 1,09,000 people died as a result of floods and heavy rains in the country. 61 lakhs animals also died, ye dekh sakte hain aap. During this 65 years, the country is estimated to have lost 4 lakh crore, ye dekh sakte hain aap. The report noted that the National Flood Commission's figure was very large. Every year floods caused enormous losses due to poor planning, failure of flood
control policies, insufficient preparedness, and ineffective disaster management. In fact, India has been very successful in cyclone disaster management. Also in this cyclones ke alawa, cyclones ka jo disaster management hum log kar rahe hain, wo zyada behtareen hai hamare flood disaster management se. Aur yahi note kiya gaya. And annually, ultimately the central and the state governments blame upon each other. Ye dekhiye. और यही वजह है दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं एंड द टाइम हैज़ कम द कमिटी हैज़ नोटेड दैट द टाइम हैज़ कम फॉर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू कोलैबोरेट. ये देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्लासिकल एग्जांपल. डोंट फॉरगेट टू लिंक दिस न्यूज़ इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. समय आ गया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कोलैबोरेट करने का, फ्लड डैमेज रिड्यूस करने का. ये देखिए ऑल्सो इंटर स्टेट रिलेशंस, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ये न्यूज़ आप लिंक कीजिएगा. The committee proposed developing an integrated river basin management plan. देखिए integrated river basin management plan involving all flood affected areas as well as neighboring countries. International relations में भी flood management. अब भी इंडिया नेपाल के ऊपर द हिंदू में editorial came out. Yes, the day was, I suppose it was 6th of this August. The editorial, the article came out. That disaster management can serve to be a new avenue of India-Nepal cooperation. Yes, ये करना पड़ेगा क्योंकि maximum rivers जो हैं इस पूरे belt की, South Asia की, they rise from the Himalayan belt, come out in Nepal and then come out in the Bihar UP plains. तो Bihar, UP, West Bengal, Assam, Odisha, ये region तो ये states को तो cooperate करना ही है. हमें Nepal के साथ, Bhutan के साथ भी cooperate करना है out here. सो मेंस में लिंक कर दीजिएगा ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, इंटरनेशनल रिलेशंस में. एंड ऑल्सो फ्लड्स आर टर्निंग आउट टू बी द बिगेस्ट मिनेस फॉर इंडिया. यस, ये देखिए एक और इसी में एक पॉइंट आया. इसी पैनल ने स्टैंडिंग कमिटी ऑन वाटर रिसोर्सेज ने कहा कि देर इज़ नो प्रोविजन टू डिक्लेयर एनी नेचुरल डिजास्टर एज अ नेशनल कैलामिटी. और ये चिंता की बात है, सरप्राइजिंग इट इज़. एक नेचुरल डिजास्टर को नेशनल कैलामिटी घोषित करने का कोई प्रोविजन किसी एक्ट में नहीं दिया हुआ. देखिए यहाँ पे, दिस वाज आल्सो कंफर्म्ड बाय द स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट टू द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज. अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड या नेशनल रिस्पॉन्स फंड, देर इज नो प्रोविजन टू डिक्लेयर एनी डिजास्टर इंक्लूडिंग फ्लड एज अ नेशनल कैलामिटी. जबकि फ्लड हैज़ बिकम अ नेशनल कैलामिटी एट प्रेजेंट, लेकिन डिक्लेयर करने का कोई विधान नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है. सो अब फ्लड्स इन द स्टेट्स आर, अब जो फ्लड्स जो स्टेट्स में हो रहे थे, एक दो स्टेट्स में, अब फैल रहे हैं द फ्लड्स, या क्या कहते हैं आप कह सकते हैं ये डिजास्टर, इट इज नाउ बिकमिंग अ नेशनल लेवल डिजास्टर. विल हैव टू फास्ट ब्रिंग आउट अ प्रोविजन रिगार्डिंग इट. ये देखिए, सो दिस कैन कम इन प्रिलिम्स. क्या कोई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत क्या कोई प्रोविजन है डिक्लेयर करने का कोई डिजास्टर एज अ नेशनल कैलामिटी? नो, नॉट एट ऑल, कोई प्रोविजन नहीं है. सो अल्टीमेटली अब समय आ गया कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति शुड टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्लड कंट्रोल एंड शुड अडॉप्ट इंटीग्रेटिव अप्रोच. इंटीग्रेटिव अप्रोच, सारे स्टेट्स के साथ मिलकर बैठक करनी जरूरी हो गई है. अब सेंट्रल स्टेट रिलेशंस ठीक करने जरूरी हो गए हैं, और इसके लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए एक नेशनल इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट ग्रुप बनाना जरूरी हो गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ये देखिए, तभी अगर काम हो पाएगा. अलग से डिजास्टर मैनेजमेंट के अलावा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अलावा, नेशनल इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट ग्रुप, द टाइम हैज कम. इन द रिपोर्ट द कमिटी ऑल्सो एक्नॉलेज दैट रेनफॉल पैटर्न्स हैड चेंज्ड ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर. रेनफॉल इन टर्म्स ऑफ डेज हैड डिक्रीज्ड, और एक दिन में बारिश ज्यादा हो रही है. तो ये थे दो न्यूज़ रिगार्डिंग फ्लड्स. फ्लड के ऊपर सवाल निकल सकता है इस बार यूपीएससी मेंस में. और ये देखिए प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे प्रोविजन के बारे में पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट, इंडियाज लेपर्ड काउंट जंप्स टू, यू कैन सी इट हियर, जंप 63% इन जस्ट 4 ईयर्स. इंडियाज ऑफिशियल लेपर्ड काउंट इंक्रीज 63% फ्रॉम 2014 टिल 2018. न्यू रिपोर्ट रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन July 29, 2021. Told World Tiger Day claimed the status of leopard, co-predators and mega herbivores. 2018 report was released. Yes, और इसी में लिखा हुआ है that leopards की संख्या बढ़ गई है. कुछ errors भी हो सकते हैं, but
एट प्रेजेंट देर वर 12,852 लेपर्ड्स इन द कंट्री सो इन 2018, ये देखिए, दिस वॉज एन इंक्रीज फ्रॉम 7,910 लेपर्ड्स इन 2014, सो अ मैसिव इंक्रीज. एंड इन 2018 डाउन टू अर्थ हैड आस्क्ड द वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स वेदर अ सेपरेट लेपर्ड सेंसस वॉज नीडेड टू कन्फर्म द एग्जैक्ट पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज. तो सेपरेटली नहीं हुआ है, टाइगर सेंसस के साथ में हुआ है, ठीक है. सो अल्टीमेटली ये नंबर्स बढ़े, इट्स अ टेस्टिमनी, इट शोज दैट कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ द एंटायर इको सिस्टम. इन शॉर्ट, टाइगर इज अ की स्टोन स्पीसीज. की स्टोन स्पीसीज देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है टाइगर. तो चलिए आगे बढ़ जाए द नेक्स्ट न्यूज. स्काई ग्लो फोर्सेज डंग बीटल्स इन द सिटी टू अबैंडन मिल्की वे एज देयर कंपास. ये देखिए ये न्यूज आया है डंग बीटल्स का. ये देखिए डंग बीटल्स विच फीड अपॉन द काउ डंग. ये देखिए तो गोबर पे फीड करती हैं ये कीड़े फीड करते हैं बीटल्स. एंड रात के समय जो इंक्रीज अर्बनाइजेशन से जो इंक्रीज लाइटनिंग हुई है, इंक्रीज लाइटिंग हैज कम अप अक्रॉस द सिटीज, इट हैज़ फोर्स्ड दीज बीटल्स. इनका पूरा आप कह सकते हैं जो इनका अडेप्टेशन था नाइट के समय का सब खत्म हो गया है. इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू स्ट्रीट लाइट्स, सिक्योरिटी फ्लड लाइट्स एंड आउटडोर ऑर्नामेंटल लाइटिंग ऑल कंट्रीब्यूट टू ग्रोइंग लाइट पॉल्यूशन. ये देखिए नया पॉल्यूशन स्टूडेंट्स, लाइट पॉल्यूशन. इनफैक्ट चीपर पावर थ्रू LED एंड LED बल्ब्स हैज ब्रॉट अबाउट अनदर मीनेस एंड दैट इज द लाइट पॉल्यूशन, एक नई समस्या. और इसी का वजह है, इसी यही दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इवन हम लोग स्टार्स तक नहीं देख पा रहे हैं सिटीज में. स्टेयरिंग इन द स्काई स्टार्स आर नॉट विजिबल कंप्लीटली, बहुत कम स्टार्स देख पा रहे हैं. और इसके अलावा जितने भी रात के समय के इंसेक्ट्स थे जो अपने नेचुरल लाइटिंग से आगे बढ़ते थे, सब खत्म हो रहे हैं. सो ग्लोबली नाइट्स आर बिकमिंग एवर ब्राइटर. इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू स्ट्रीट लाइट्स, फ्लड लाइट्स, आउटडोर ऑर्नामेंटल लाइटिंग ऑल कंट्रीब्यूट टू लाइट पॉल्यूशन. दिस लाइट फ्लड्स डायरेक्टली इन टू द आईज ऑफ एनिमल्स दैट आर एक्टिव एट नाइट. नॉकटर्नल एनिमल्स कहते हैं, इंक्लूडिंग आउल ऑल्सो. ये देखिए एंड ऑल्सो इन टू द स्काईज. देर इज अ प्रोपोर्शन ऑफ इट इज रीडायरेक्टेड बैक डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द अर्थ बाउंड ऑब्जर्वर. रीडायरेक्टेड वापस आता है आपके आपकी आंखों में, वापस आएगा. आप स्काई में देखोगे, यू विल नॉट बी एबल टू सी डायरेक्टली इन टू द स्काई. दिस इज नोन एज स्काई ग्लो, an omnipresent sheet of light across the night sky in and around cities. और अगर आप शहर में रहते हैं, you can just go out of your home and just see it. आपको साफ साफ दिख जाएगा sky glow. Sky glow एक sheet of light, आपको दिखेगा ही नहीं stars completely. और इसी का impact देखा गया dung beetles पे. Dung beetles ये देखिए यहाँ पे South Africa में Limpopo province में देखा गया, उनका research किया गया और कंफर्म हो गया दैट लाइट पॉल्यूशन इज कॉजिंग, आर्टिफिशियल लाइट्स इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम टू द डंग बीटल्स. डंग बीटल्स फीड अपॉन द डंग काउ डंग, यस. एंड ये काउ डंग को एक बॉल में रोल करती हैं, देखिए, और ले जाती हैं जितनी जल्दी हो सकता है. दे टेक इट फास्ट टू फीड अपॉन इट टूवर्ड्स अ स्लोपिंग एरिया जस्ट टू एंश्योर कि इनको शेयर ना करना पड़े किसी के साथ. दे डोंट वॉन्ट टू शेयर देयर फीड विद एनीवन. ये देखिए लेकिन दिक्कत ये, और ये व्हेन दे रोल दिस काउटंग, जब ये काउटंग को रोल करती हैं इनटू दिस बॉल शेप्ड, ये देखिए बॉल शेप रोल करती हैं, देन दे आफ्टर दैट दे परफॉर्म द ओरिएंटेशन डांस. ओरिएंटेशन डांस, ईच बीटल क्लाइम्स ऑन टॉप ऑफ इट्स बॉल एंड परफॉर्म्स द ओरिएंटेशन डांस. सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन इट्स अ टाइप ऑफ सेलिब्रेशन फॉर द बीटल. And it rolls the cow dung, जो cow dung pile, ठीक है, होता है, उसमें से ball इसने निकाला, roll किया. It wants to take it away so as not to share with anyone. और ये क्या कहते हैं, ये nocturnal animal है, nocturnal insect है, रात के समय ये सबसे easily ये क्या कहते हैं अपने आप को adapt कर चुका है. And it takes this ball to a place which is in isolation where it can feed upon the dung, the ball made up of dung with
ईज इट कैन फीड। लेकिन अब दिक्कत हो रही है, जो लाइट पॉल्यूशन है नाइट स्काई में, इसके कारण दे आर जस्ट कोलाइडिंग विद वन अनदर द डंग बीटल्स एंड दिस इज लीडिंग टू फाइट अमंग्स देम। अल्टीमेटली इसके कारण ये इनके इनके पॉपुलेशन पे असर पड़ना शुरू हो गया है। तो समझ सकते हैं आप दैट कैसे दिस द लाइट पॉल्यूशन इज इम्पैक्टिंग दिस डंग बीटल। दिस बीटल्स फाउंड अक्रॉस साउथ अफ्रीका कलेक्ट डंग फ्रॉम वेरियस एनिमल्स, फैशनिंग इट इन टू अ बॉल। बाई रोलिंग दिस बॉल अवे फ्रॉम द डंग पाइल दे नीड नॉट शेयर इट विद अदर इंसेक्ट्स। यू कैन सी इट हियर। एंड दिस द शेयरिंग नहीं करना, यही तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। एंड ओरिएंटेशन डांस, तो इस पे यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। एंड मेंस में डोंट फॉरगेट टू लिंक इट विद लाइट पॉल्यूशन, अ न्यू काइंड ऑफ पॉल्यूशन कमिंग अप। यहां से दो क्रिटिकल वर्ड्स, स्काई ग्लो क्या होता है एंड ओरिएंटेशन डांस क्या होता है। चलिए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स। ये देखिए क्या इसके लिए सॉल्यूशंस हैं। यस, तो इंटरनेशनल डार्क स्काईज एसोसिएशन ने सर्टिफाई किया, ये देखिए एक इंस्टीट्यूशन है, मोर देन 130 इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेसेस वेर आर्टिफिशियल लाइटनिंग हैज बीन लाइटिंग हैज बीन एडजस्टेड टू रिड्यूस द स्काई ग्लो। जस्ट इमेजिन, पहले के समय जब नेचुरल लाइट था, रात के समय आपको स्टार्स दिखते थे, आज के समय वो मुफ्त में सब कुछ मिल रहा था। और आज के समय देखिए, इवन आफ्टर पेइंग यू कैन नॉट गेट दैट काइंड ऑफ एसेंस ऑफ नेचर। यस, तो इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेसेस, हु हैड थॉट 30 ईयर्स बैक कि इसका भी कंसेप्ट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट, एल्गल ब्लूम इन फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के पास में गल्फ ऑफ मैक्सिको में। यस, एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम इज द ग्रोथ ऑफ एल्गी इन द रिवर्स एंड इन द सीज, ऑल ड्यू टू एक्सेसिव पॉल्यूशन इन द वाटर, एक्सेसिव कमिंग अप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर। और ये स्पेशली अगर फॉस्फेट या फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स देखिए निकल कर यहाँ पे आए, दिस इज द रीजन द एल्गल ब्लूम इज अकरिंग। यू कैन सी इट हियर। The an algal bloom currently ravaging Florida's Gulf of Mexico coast may have been aggravated due to the release of 215 million gallons of contaminated water. ये देखिए। And इस जगह पे कौन सा algae है? This Karenia brevis. The name is not important, but इसका नाम red tide है, इसको commonly कहते हैं, और इस जगह पे grow कर गया है। Ultimately, algal bloom होने के कारण ये जो process है इसे eutrophication कहते हैं। You might have heard about this eutrophication process in environment and it leads to dead zones in the water bodies, dead zones because of depletion of oxygen in the water bodies. Dissolved oxygen pura khatam ho jata hai, the fishes are dead in these regions. To yahan se algal bloom, Gulf of Mexico, eutrophication and dead zones, char shabd dekhiyega. Gulf of Mexico mark kar lijiyega. चलिए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स। ये देखिए नेक्स्ट न्यूज, बर्निंग वुड एंड कोल फॉर कुकिंग कैन कॉज ब्लाइंडनेस, द स्टडी हैज कम अप। यस, बर्निंग सॉलिड फ्यूल सच एज कोल एंड वुड, फायरवुड एंड कोल फॉर कुकिंग कैन पोज अ डैमेज टू द आईज एंड कॉज ब्लाइंडनेस, अ न्यू स्टडी हैज क्लेम्ड। द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स रिलीज विद द फ्यूम्स कैन पेनिट्रेट द आईज एंड कॉज फिजिकल इंटीरियर डैमेज। सो ब्लाइंडनेस इज वन हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ द सॉलिड फ्यूल्स। यही वजह इसको रिप्लेस किया जा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड विद क्लीनर फ्यूल्स। यस, तो ये एक नेचुरल, आप देखिए यहां पे नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस फायरवुड एंड कोल, जस्ट यू कैन लिंक इट आउट देयर। चलिए आगे बढ़ जाए, बहुत सिंपल, ये वैल्यू एडिशन है मेंस के लिए। नेक्स्ट, बनी ग्रासलैंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ, वहां पे इन्वेजिव स्पीसीज थे, उन्हें कैसे हटाया जाए? कौन से इन्वेजिव स्पीसीज? व्हाट आर इन्वेजिव स्पीसीज? इन्वेजिव का मतलब होता है बाहर से लाए गए स्पीसीज और वहां पे इकोसिस्टम में इंटरवीन कर गए। इन्वेजिव मींस व्हिच आर व्हिच हैव इन्वेडेड दैट इकोसिस्टम। यस, और यहां बात हो रही है प्रोसोपिस स्पीसीज, प्रोसोपिस जूली फ्लोरा, जिसे वहां के लोकल्स गंदा बबूल कहते हैं। यस, यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन ओवर दिस इन 2018 प्रीलिम्स कि बन्नी ग्रासलैंड्स, बन्नी ग्रासलैंड्स ये नाम क्यों पड़ा है? बन्नी मींस बनाई, ग्रासलैंड्स ये वर्ड से आया है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रासलैंड्स ऑफ एशिया है। व्हाट अ ऑसम साइट, इट वाज सीनिक साइट बिफोर, बट इन द लास्ट 5 decades बिकॉज ऑफ कमिंग अप ऑफ प्रोसोपिस जूली फ्लोरा द इन्वेजिव स्पीसीज, इट हैज इम्पैक्टेड द बन्नी ग्रासलैंड्स इन रन ऑफ कच्छ। यस,
और तो और मैं बता दूं, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा या गंदा बबूल जिसे कहते हैं, सीड्स इसके डाले गए थे वहां पे, बिकॉज वहां पे लगा कि ग्रासलैंड्स खत्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सैलिनिटी ऑफ द रन ऑफ कच्छ, तो उसको काउंटर करने के लिए डाला गया विदाउट प्रॉपर रिसर्च। एंड प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा विच वॉज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग बेटर रिटर्न्स, बेटर इम्पैक्ट, उसने और नेगेटिव कर दिया वहां पे सब कुछ। तो ये देखिए, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नॉन नेटिव इन्वेजिव ट्री स्पीसीज हैज इनक्रोच्ड ओवर हाफ बन्नी ग्रासलैंड्स, वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट ग्रासलैंड्स इन गुजरात। द ट्री इज हार्मफुल टू द इकोलॉजी, हाउ इज इट हार्मफुल, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, डिप्लीट्स ग्राउंड वाटर, पूरा पानी खत्म करता है ग्राउंड वाटर, इंक्रीजेस सॉयल सैलिनिटी एंड मेक्स द ग्रास लैंड मोर ससेप्टेबल टू वाइल्ड फायर्स। यूपीएससी कैन आस्क दिस क्वेश्चन नाउ, इसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बट स्टिल इट इज गुड फॉर इट, द लोकल्स आर डिपेंडेंट ऑन इट फॉर लाइवलीहुड, फॉर एग्जाम्पल फॉर मेकिंग चारकोल, यस फ्यूअल के लिए। इतना ही नहीं, दिस इन्वेजन हैज कॉज्ड मैसिव थ्रेट्स टू द डेजर्ट फॉक्स, हउबारा बस्टार्ड एंड स्पाइनी टेल लिजर्ड। यूपीएससी के नास क्वेश्चन, हउबारा बस्टार्ड, स्पाइनी टेल लिजर्ड एंड डेजर्ट फॉक्स कहाँ पाए जाते हैं, बन्नी ग्रासलैंड्स, वहीं पे अडॉप्टेड है ये, उस जगह अडेप्ट कर चुके हैं। तो अब इसका रिमूवल की बात चल रही है, कैसे रिमूवल किया जाए, मैकेनिकल रिमूवल एंड ऑल्सो लॉपिंग, ये देखिए लॉपिंग, तो लॉपिंग इज ऑल्सो यूज टू, इट्स यूज लोकली टू हार्वेस्ट प्रोसोपिस, क्योंकि उसके बाद फिर से ट्रीज कैन रीजनरेट, ठीक है। तो मैकेनिकल रिमूवल किया जा रहा है, लॉपिंग का मतलब क्या होता है, यूज ऑफ दिस, यू कैन सी द अपरूटिंग ऑफ द ट्रीज दैट आर 10 to 20 centimeters अबव द सॉयल लेवल। तो यहां से प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, बर्नी ग्रासलैंड्स, हउबारा बस्टार्ड एंड डेजर्ट फॉक्स एंड स्पाइनी टेल डिजर्ट, याद कर लीजिए प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, न्यू पॉली हाउस टेक्नोलॉजी टू हेल्प कल्टिवेट ऑफ सीजन क्रॉप्स। वट इज अ पॉली हाउस, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर लाइक अ बिल्डिंग वेर स्पेशलाइज पॉलीथीन शीट इज यूज एज अ कवरिंग मटीरियल एंड क्रॉप्स आर ग्रोन इन पार्शली और फुली कंट्रोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, जस्ट लाइक अ ग्रीन हाउस कवर, द ग्रीन कवर ओवर द ग्रीन हाउस दिस फार्मिंग, इट इज कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल आउट हेयर टू ट्रांसमिट द एंट्री ऑफ नेचुरल लाइट। तो पॉली हाउस का कंसेप्ट यही है, नेचुरल तरीके से ग्रोथ। वहाँ बोलेगा सर वाई नेचुरल, पॉलीथीन शीट क्यों लगाया गया, ऑल बिकॉज एक्सट्रीम हीट एंड पेस्ट अटैक्स बढ़ गए हैं बाहर में, यस अब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने की बारी आ गई है। सो एग्रीकल्चर में ये एक नया कंसेप्ट पॉली हाउस। यूपीएससी कैन आस्क व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ अ पॉली हाउस, इट्स जस्ट अबाउट पॉलीथीन शीट एंड टू बी यूज टू ग्रो द क्रॉप्स अंडर कंट्रोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ये देखिए, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन फील्ड कंडीशंस एंड कन्वेंशनल ग्रीन हाउस कंडीशंस एंड इन अ मोर रोबस्ट वे टू डील विद क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए ये किया जा रहा है, काउंटर करने के लिए एंड एसोसिएट प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। तो पॉली हाउस पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। सनस्क्रीन डैमेज कोरल्स एंड दे शुड बॉदर इंडिया टू। थाईलैंड रिसेंटली बैंड सनस्क्रीन फ्रॉम इट्स मराइन नेशनल पार्क, शुड इंडिया फॉलो सूट, दिस इज द न्यूज ऑफ डाउन टू अर्थ ऑफ 6th August। ये देखिए सनस्क्रीन, एज ऑल ऑफ अस नो स्टूडेंट्स दैट सनस्क्रीन सनस्क्रीन आर वेरी कॉमनली यूज नाउ डेज। सनस्क्रीन जो लोशंस होते हैं वो स्किन पर अप्लाई किए जाते हैं जस्ट टू सेव वन फ्रॉम द टैनिंग बिकॉज ऑफ द सन। इसके अंदर 4 इन्ग्रीडियंट्स होते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ऑक्सी बेंजोन ऑक्टिनॉक्सेट 4-methyl बेंजाइलाइडीन कैम्फोर एंड ब्यूटाइल पैराबेन। ये देखिए, ये थाईलैंड के डिपार्टमेंट ने ये बताया है, और ये सब के सब कोरल लार्वा को किल करते हैं, इम्पीड करते हैं कोरल रिप्रोडक्शन एंड कोरल रीफ ब्लीचिंग करते हैं, इसीलिए बैन लगाया गया। इसके पहले द पैसिफिक आइलैंड नेशन ऑफ पलाओ एंड द यूएस स्टेट ऑफ हवाई हैव ऑलरेडी इम्पोज्ड सिमिलर रेस्ट्रिक्शंस। सवाल आ सकता है कौन कौन से कंट्रीज और जगहों ने बैन किया है सनस्क्रीन, ये देखिए। सो थाईलैंड बिकम्स द फर्स्ट कंट्री ऑफ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में ये कंट्री इसने बैन किया। सनस्क्रीन कंटेन्स हैजार्डस केमिकल्स लाइक ऑक्सी बेंजोन, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजोफिनोन, ऑक्सी बेंजोन, बेंजोफिनोन्स, ठीक है,
नैनो टाइटेनियम डाइऑक्साइड, नैनो जिंक ऑक्साइड, ऑक्टिनॉक्सिट, ऑक्टिनॉक्सिट वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीबेंजोन, बेंजोफिनोन्स एंड ऑक्टिनॉक्सिट वर्ड पढ़ लीजिएगा, इट कैन कम। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इट्स इन सनस्क्रीन। एंड दिस सीरियसली इम्पैक्ट्स द ग्रोथ, द टिश्यू एंड द डीएनए डैमेज इन द रीफ्स। ये देखिए, सो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के आसपास भी, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल। और आपने देखा होगा सनस्क्रीन्स में सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF होता है, कुछ 50 SPF या 40 SPF या 60 SPF आपने देखा होगा क्रीम्स पे लिखा रहता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, दिस कैन कम इन UPSC। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SPF? सन प्रोटेक्शन फैक्टर याद कर लीजिएगा। सो कोरल रीफ में भी मेंस में लिंक कीजिएगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली, प्रीलिम्स में तो सवाल आएगा ही यहां से। फॉर द मेंस डोंट फॉरगेट टू लिंक इट इन मराइन पॉल्यूशन एंड कोरल रीफ ब्लीचिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज अ हेल्दी डाइट? अ यूएन पेपर एक्सप्लेन्स। तो यूएन फूड सिस्टम समिट है सितंबर में, और व्हाट इज अ हेल्दी डाइट उसी के रन अप में मींस रिपोर्ट्स आ रहे हैं। रिपोर्ट्स में यूनाइटेड नेशंस का एक नया रिपोर्ट आया है एंड दिस टॉक्स अबाउट व्हाट इज अ हेल्दी डाइट एज पर यूनाइटेड नेशंस। अ हेल्दी डाइट इज हेल्थ प्रमोटिंग एंड डिजीज प्रिवेंटिंग। इट प्रोवाइड्स एडिक्वेसी विदाउट एक्सेस। एडिक्वेसी विदाउट एक्सेस, व्हाट अ फ्रेज, प्लीज फोकस अपॉन दिस फ्रेज। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्थ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस। इट अवॉइड्स द कंजम्पशन ऑफ हेल्थ हार्मिंग सब्सटेंसेस। सो दिस कैन कम इन प्रीलिम्स ऑल्सो, एंड डोंट फॉरगेट हेल्दी डाइट आप कोट भी कर सकते हैं एज वैल्यू एडिशन। एंड वॉट एग्जैक्टली इज अ न्यूट्रिशियस फूड? ये देखिए, इसका भी डेफिनेशन दिया गया है। इट इज अ फूड आइटम दैट प्रोवाइड्स ऑल टाइप्स ऑफ बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन्स, विटामिंस, मिनरल्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड फाइबर, इन शॉर्ट बैलेंस्ड डाइट। इट ऑल्सो मिनिमाइजेस हार्मफुल एलिमेंट्स, सोडियम, फैट्स एंड शुगर्स। तो कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है कि इतने कॉम्पोनेंट्स रहने चाहिए। हेल्दी डाइट एंड न्यूट्रिशियस फूड बस एक जनरल वेग डेफिनेशन दैट इट शुड प्रोमोट हेल्थ, इट शुड प्रिवेंट इलनेस। इतना ही नहीं, एक नया तरीका आया है न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग। ये UPSC सवाल पूछ सकती है, what is nutrient profiling? This is a technique of rating the foods based on nutrient density or nutrient content per 100 grams or per 100 kilocalories of energy per serving. UPSC can ask question with what field is nutrient profiling related? Yeah, what does nutrient profiling mean? Rating the food items based upon nutrient density or nutrient content per 100 grams. याद कर लीजिएगा, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन कम इन दिस ईयर प्रीलिम्स। इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग। नेक्स्ट, अर्थ ओवरशूट डे शिफ्टेड बैक टू July 29 सेज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये देखिए, अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है स्टूडेंट्स? द अर्थ ओवरशूट डे इज दैट डे ऑन विच वी हैव यूटिलाइज्ड ऑल द रिसोर्सेज ऑफ दैट ईयर। पूरे साल भर के जितने रिसोर्सेज थे हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है अर्थ ओवरशूट डे जिस दिन हो रहा है उस दिन। इसका मतलब है उसके बाद जितना इस्तेमाल करेंगे वो एक्सेस होगा। इट शोज द अनसस्टेनेबल कंजम्पशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, अनसस्टेनेबल। ये देखिए कंजम्पशन, और इस बार कौन से तारीख को है देखिए, यहाँ पे इट्स रिटन आउट हियर, इट फॉल्स ऑन July 29। ये देखिए, ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पब्लिश करता है, एंड यू कैन सी इट हियर, इट्स अ ग्लोबल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, WWF। एंड अर्थ ओवरशूट डे और कम होता चला जा रहा है, इसका मतलब साफ। ये देखिए कंट्रीज का देखिए लिस्ट आया है, February 9 कतर, कतर कंट्री हैज यूटिलाइज्ड ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द होल ईयर, यू कैन सी। लग्जमबर्ग February 15, इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं रिसोर्सेज ये लोग। सो दिस क्लियरली सिग्निफाइज दैट ओके, जितने रिसोर्सेज हैं हमारे देश में और जितने और उसका कैसे कंजम्पशन होना चाहिए, उसमें कितना बैलेंस चल रहा है। सो इट्स July 29 फॉर द होल ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज अ अलार्मिंग सिचुएशन। लास्ट ईयर थोड़ा ठीक हुआ था कंडीशन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अक्रॉस द वर्ल्ड ओइंग टू COVID-19, बट इस साल सब वापस वहीं पे आ गया है, हमारा कंजम्पशन कम नहीं हो रहा है। ऑल्सो यहाँ पे ग्लोबल फॉरेस्ट बायो कैपेसिटी एक वर्ड आया है, ग्लोबल फॉरेस्ट बायो कैपेसिटी हैज डिक्रीज बाई 0.5%।
व्हाट इज ग्लोबल फॉरेस्ट बायो कैपेसिटी? ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है. द कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम्स टू रीजनरेट व्हाट पीपल डिमांड फ्रॉम दोज सर्फेसेस. दिस कैन कम इन यूपीएससी. कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम, कैपेसिटी ऑफ द फॉरेस्ट टू रीजनरेट व्हाट द ह्यूमन बींग्स आर डिमांडिंग. रीजनरेट करने में, ठीक है, तो ये देखिए डिक्रीज किया है. इसका साफ साफ मतलब है कैपेसिटी डिक्रीज कर रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, बहुत दिक्कत की बात है. सो व्हाई हैज ग्लोबल फॉरेस्ट बायो कैपेसिटी डिक्रीज? बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड फायर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन द फॉरेस्ट, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट स्पेसिफिकली. ये देखिए, तो इस साल भी तो बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर लगे हुए हैं. एट प्रेजेंट न्यूज हैज कम अप, सिसिली आइलैंड ऑफ इटली, ग्रीस, टर्की, कैलिफोर्निया, एवरीवेयर द फॉरेस्ट आर बर्निंग. वी कैन जस्ट इमेजिन अगले साल रिपोर्ट आएगा क्या होने वाला है. तो ये दिस ग्लोबल फॉरेस्ट बायो कैपेसिटी पढ़ लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड यस, अर्थ ओवरशूट डे ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. आपका होमवर्क है दैट इंडिया का अर्थ ओवरशूट डे किस दिन फॉल किया है इस बार, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है. प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, सर्च इट एंड राइट इट डाउन. यस, एंड द लास्ट न्यूज ऑफ टूडे, इंडिया हैज 500 मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड ओर रिजर्व, द प्राइमरी ओर रिजर्व एज टोल्ड बाई द गवर्नमेंट. प्राइमरी ओर जो सबसे पहले फॉर्म होता है, रॉक्स जब फॉर्म हुए हैं, तो प्राइमरी ओर रिजर्व में 500 मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड ओर है, ये एस्टिमेट किया गया. हाईएस्ट बिहार में, लोकेशन 44%, नियरली हाफ, सेकेंड राजस्थान, थर्ड कर्नाटक. तो बिहार, राजस्थान एंड कर्नाटक, इसे देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, याद कर लीजिएगा प्रीलिम्स में. स्टेट सर्विसेज दिस कैन बी आस्ट. तो वो हु डज दिस एक्सप्लोरेशन एंड द माइनिंग? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज इट, एंगेज इन जियोलॉजिकल मैपिंग. सो दैट्स इट इन टुडेज सेशन. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट इन अ लाइक एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो. यहाँ से इंपॉर्टेंट है कुछ टर्म्स, आपने कुछ टर्म्स देखे, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था. आपने टर्म्स देखे कुछ, ये डंग बीटल का ओरिएंटेशन डांस, स्काई ग्लो, इसके अलावा यू जस्ट गॉट टू नो अबाउट दिस यूट्रॉफिकेशन, डेड जोन्स, ऑल्सो यू गॉट टू नो अबाउट द बनाई ग्रासलैंड्स या बन्नी ग्रासलैंड्स, एंड क्यों प्रोसोपिस जूली फ्लोरा एक इन्वेजिव स्पीसीज है, और वहाँ की स्पीसीज कौन कौन से हैं एनिमल्स के और बर्ड्स के, और पॉली हाउस टेक क्या होता है, किस फील्ड में, सनस्क्रीन्स के अंदर कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, हैजार्डस केमिकल्स, व्हाट इज न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग, यू गॉट टू नो, एंड व्हाट इज अर्थ ओवरशूट डे एंड ग्लोबल फॉरेस्ट बायोकैपेसिटी. दैट्स इट स्टूडेंट्स, टेक केयर. इन द कमिंग सेशन वी आर गोइंग टू सी द डाउन टू अर्थ न्यूज फ्रॉम 11 to 20 of August. दैट्स इट, टेक केयर. एंड यस, दिस इज अ एग्जॉस्टिव सेशन, इसके बाहर आपको नहीं देखना है. डाउन टू अर्थ मैगजीन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पुटअप कर दिया गया है. Okay, I'll post the PDF upon the Telegram. That's it. Take care.